अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका इस्तकबाल करती हूँ अपने चैनल मुख्तलिफ जायके में। नाज़रीन, आज हम बहुत ही यमी सी डिप बना रहे हैं और ये है जापनीज डिप। इसको बोलते हैं चिमीचुरी। ये नाम बहुत ही यूनिक सा है और आप जब इसको बनाएंगे तो इसका टेस्ट भी आपको बहुत यूनिक और बहुत ही ज़बरदस्त लगेगा। चिमीचुरी जो डिप है, इस डिप को आप स्टेक के साथ, सीख कबाब के साथ, शामी कबाब के साथ और सैंडविचेस वगैरह में बहुत आसानी से यूज़ कर सकते हैं और इसका जायका बहुत ज़बरदस्त होता है। यानी अगर आपने टेस्ट और ज़्यादा इन्हांस करना है तो सैंडविचेस वगैरह में आप ज़रूर इसको अप्लाई करें। तो चलें, चिमीचुरी बनाने के लिए यहाँ हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो हम आपको बताते हैं। यहाँ पर हमने हरा लहसुन लिया हुआ है, ये कटने के बाद तकरीबन एक मुट्ठी हो जाएगा। पार्सले लिया है हमने दो मुट्ठी, एक मुट्ठी लिया है हरा धनिया और तीन हरी मिर्च ली हैं, ये लाइट ग्रीन कलर की हैं। आधा चाय का चम्मच चिली फ्लेक्स हैं और आधा चाय का चम्मच है नमक। बाद में इसमें शामिल किया जाएगा ऑलिव ऑयल, तो ये एक्स्ट्रा वर्जन ऑलिव ऑयल है, ये आप देखें बॉर्जेस का हमने लिया है। और साथ साथ जाएगा राइस विनेगर, तो ये भी बआसानी आपको ग्रोसरी स्टोर्स पर मिल जाएगा या सुपर मार्केट में, तो आप इसको ले सकते हैं। तो चलें, चिमीचुरी बनाने के लिए हमें किस तरह से इसको बनाना है वो आपको बताते हैं। सारी चीज़ों को आपने चॉप करना है, तो सबसे पहले हम इसको कट कर लेंगे और फिर इसको करेंगे चॉप, वो भी हमने दरदरा सा चॉप करना है, बहुत फाइन सा चॉप नहीं करना। तो चलें इसको शुरू करते हैं बनाना। अच्छा नाज़रीन, अगर हरा लहसुन आपके पास अवेलेबल नहीं है तो जो रेगुलर लहसुन होता है उसका आप 7 से 8 कली बड़े साइज की आप ले सकते हैं, मतलब बहुत ज्यादा बड़ा भी ना हो, मीडियम साइज की 7 से 8 कली ले सकते हैं। यहाँ पर कैसा है, थोड़ा छोटा बड़ा है, इसलिए हमने थोड़ा ये इस तरह से ले लिया है। ये ऐसा लहसुन अगर आपको मिल जाए तो फ्लेवर इसका बहुत ज्यादा अच्छा होएगा, लेकिन नहीं है तो मसला नहीं है, आप रेगुलर लहसुन इसमें डाल सकते हैं। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। चाहें तो आप इस तरह से चॉपर में इसको चॉप कर सकते हैं या आप चाहें तो इसे नाइफ की मदद से अच्छे से चॉप कर सकते हैं। तो हमने इसको चॉपर में डाला हुआ है, बस इसे हम देख लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा वक्त लगेगा इसको चॉप करने के लिए, तो इसको हम अच्छे से चॉप करके आपको दिखाते हैं। अगर इसके चॉपर में चॉप होने में मसला हो आए तो इसमें हम विनेगर जो शामिल कर रहे हैं वो इसमें ही शामिल कर देंगे। तो यहाँ पर हम 1/2 कप राइस विनेगर ले रहे हैं, क्वांटिटी जो हमने बताई है उसके हिसाब से आपने ये लेना है। काफी हद तक चला लिया है इसको, अभी इसको देख लेते हैं, लेकिन अभी हमने इसको और पीसना है। तो लेकिन इसमें चॉपर में पीसने में थोड़ा सा दिक्कत तो आएगी, तो आपने क्या करना है, विनेगर तो हमने डाल दिया है, अब इसमें ऑलिव ऑयल भी डाल देते हैं। और इसको वापस से चलाएंगे, बस इसे हमने बहुत छोटा छोटा कर लेना है। काफी हद तक अच्छे से ये चॉप हो गया है, अब इसे देख लेते हैं। ये आप देखें, अब इसे हम एक बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे।
इस तरह से बनाई हुई डिप आप आराम से 15 दिन फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। ये आप पास से देख सकते हैं, देखें कितनी जबरदस्त ये डिप बन के रेडी हुई है। बस इसमें अब हम आधा चम्मच चिली फ्लेक्स और आधा चम्मच नमक मिला रहे हैं। नमक आपने हाथ रोक कर डालना है क्योंकि विनेगर में भी थोड़ी तेजी होती है। चिली फ्लेक्स हमने कश्मीरी लाल मिर्च के चिली फ्लेक्स बनाए हैं, तो इसको हमने इसमें शामिल कर देना है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चिली फ्लेक्स अगर आप थोड़े और भी मिलाना चाहें तो यानी आप हाफ टी स्पून जितना कर सकते हैं, हाफ टी स्पून और बढ़ा सकते हैं। चलें तो ये जबरदस्त जायके की डिप बनकर रेडी हुई है। अब इसे हमें और किन चीजों के साथ हम इस्तेमाल कर सकते हैं वो हम आपको बताएंगे अभी। तो नाज़रीन ये चिमीचुरी जो डिप है ये बहुत ज़बरदस्त जायके की तो बनके रेडी हुई है। इसमें पाव चम्मच जितनी नमक की कमी लग रही थी वो हमने शामिल कर दिया है। अगर आप चाहें तो थोड़ा सा ऑलिव ऑयल भी एक टेबल स्पून जितना इसमें शामिल कर सकते हैं स्टोर करने के लिए। इस डिप को आप बारबेक्यू चिकन के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, नैचोस के साथ यूज़ कर सकते हैं, बर्गर पैटी में जो ब्रेड होता है, जो ब्रेड यूज़ करते हैं उस ब्रेड पर आप अप्लाई करें इसको। और जैसा कि हमने बताया कि चीज़ मेयोनीज वाले सैंडविचेस जो होते हैं तो स्लाइस पे पहले आप इसको लगाएं और उसके बाद आप जो भी पैटी रखना चाहें वो इस पे इस्तेमाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह ये रेसिपी आप बनाएंगे तो याद करेंगे, इसका जायका सिंपल है और बहुत टेस्टी, तो इंशाल्लाह ये आपको पसंद आएगी और आपके घर में बच्चों को भी बहुत पसंद आएगी। तो नाज़रीन अगर ये रेसिपी आपको पसंद आई है तो इसको ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन मुख्तलिफ जायके की आपको हरदम मिलती रहे। नेक्स्ट रेसिपी के साथ सीमा शेख आपकी खिदमत में फिर हाजिर होगी। अल्लाह हाफिज़। नाम याद रखिएगा चिमी चुरी।